ये हमारी लीडरशिप पर बोलेंगे, माहौल खुद खराब कर रहे हैं। Why did he take a leadership's name? This is very wrong. He should apologize. He should apologize. I demand an apology from him right now. How dare he take my leadership's name? Leadership का नाम लेगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखते हैं फिर कैसे चलता है सेशन। आप लोग बायकॉट कर जाते हो, हमने इलेक्शंस करवाए, आप उसमें नहीं आए। इतना अरसा आप लोग बायकॉट, मैं तो, मुझे तो आप लोगों ने अंदर बिठा दिया है, ठीक है ना? मैं तो अभी बाहर आया हूँ, तो बात यह है कि मुझे तो कुछ पता नहीं है, क्योंकि मुझे मुझे सीरियसली कह सकता हूँ कि हर ईमानदार शख्स को, मैं आपको बता रहा हूँ, कभी वो मेरा रिमांड खत्म हुआ है, अभी 2-3 दिन हुए हैं, और मुझे अभी ऐसा लगता है जैसे मैं हिंदुस्तान से निकल के नए पाकिस्तान में आया हूँ। सिंध असेंबली का इजलास वक्त पर शुरू ना हो सका, नैबजदा के नारों से असेंबली हॉल गूंज उठा। अपोजिशन ने सख्त एहतजाज किया। पीटीआई पार्लिमानी लीडर सिंध हलीम आदिल शेख ने पुलिस एक्ट में तरामीम के खिलाफ करारदाद सिंध असेंबली में जमा करा दी। करारदाद में स्पीकर सिंध असेंबली को इस्तदा की गयी की नए पुलिस एक्ट लागू होने से रोका जाए। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने पुलिस एक्ट में तरामीम और IG के अख्तियार में कमी का फैसला कर लिया है जो गैर कानूनी होगा। आपसे और बाकी हजरात जो सुन सकते हैं उनसे सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूं कि इस हाउस को अगर सही तरीके से चलाना है तो बर्दाश्त की कुव्वत पैदा करनी चाहिए, मुनसिफाना तरीके से चलना चाहिए। अहम जरूरत है कि आप जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं उस कुर्सी पे नजर आए कि आपने एक मुनसिफाना किरदार अदा किया है। आज प्लीज कीप क्वाइट, ऑर्डर इन द हाउस। आज हम ये देखते हैं कि ऑपोजिशन को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। हम आपके पास मेजॉरिटी जरूर है और उस मेजॉरिटी के जरिए आप हर फैसला करवा सकते हैं, लेकिन जो रोल ऑपोजिशन का है अगर आप वो पूरा नहीं करने देंगे तो जमहूरियत परवान नहीं चढ़ेगी। फाइन, मैं जो भी हूँ आपके सामने, आप समझते हैं मैं बहुत बुरा आदमी हूँ और आप लोगों को टाइम नहीं देता हूँ, लेकिन आई फॉलो द बुक्स, आई गो अकॉर्डिंग टू द बुक्स। आपकी नज़र में तो मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, पता नहीं क्या क्या आपके दोस्तों ने मेरे लिए कहा है, लेकिन मैंने हमेशा एक बात की है, मेरी शक्ल शायद आप लोगों को अच्छी नहीं लगे, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, यहाँ से एक बार गेट है, जिस दिन मेरी बेल होगी ना, अगर किसी को शिकायत है तो मैं चैलेंज करता हूँ सबको, मेरे से आगे बाहर बात करें, नॉट इन द असेंबली। आई एम रेडी टू फेस एनीबडी फ्रॉम दिस साइड और एनी साइड हूएवर इज अक्यूजिंग मी ऑफ समथिंग विच आई हैव नॉट डन, बट आई नो हाउ टू सर्वाइव, आई नो हाउ टू फेस, क्योंकि ये सारी चीजें मेरी लीडर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने मुझे सिखाया है। जहां इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ये हाउस चले, तो मैं उस पर उनको यकीन दिलाता हूं कि हम इनसे ज्यादा चाहते हैं कि ये हाउस चले, और अगर ये उस पर मजीद हमसे बैठ कर बात करना चाहते हैं तो हम उस बातचीत के लिए तैयार हैं ताकि इस हाउस को बेहतर तरीके से चलाएं और जो इशूज हैं उसको बातचीत के जरिए हल करें। लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम है जो थोड़ा सा उनको रियलाइज़ करना चाहिए, थोड़ा समझें। अगर आप गौर करें, जब हाउस डिस्टर्ब होता है, बिजनेस नहीं चलता, मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा आसानी हमारे लिए होती है इसलिए हमसे सवाल नहीं होते हैं, इसलिए कि हमसे एडजर्नमेंट मोशन पे सवाल नहीं होते हैं, इसलिए कि हमारे डिपार्टमेंट्स के ऊपर बहुत सारे सवाल जो आपको उठाने चाहिए वो वक्त आप गंवा देते हैं, तो हमारे लिए आसानी करते हैं। और अपोजिशन का जो एक बुनियादी, एक मैं समझता हूँ टूल है आपके पास कि असेंबली को इस्तेमाल करके हमसे सवाल तलब करें, हमसे हमारे से जवाब पूछें, वो आप उसको खो देते हैं।